सबसे बड़ी समस्या जो है ये जो अवैध निर्माण हुआ ना, अवैध थुक्के जो बने, और ये जो है कभी न कभी आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत पैदा होगी, क्योंकि इन थुक्कों में कुछ अवैध गतिविधियां भी होती हैं ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि शाम ढलते ही कहां से यहां पे लड़के लड़कियां आ जाती हैं किसी को मालूम नहीं। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन किसी गंभीर घटना के लिए सोच रहा है पहले कि कोई गंभीर घटना घटे इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। जो पूरा व्यू था वो खत्म हो चुका है आज की तारीख में, और जो है शासन प्रशासन जितना भी अमला है वो उसी रास्ते से जो है मसूरी आवागमन करता है, पर कभी जो है उन्हें वो नजर नहीं आता या वो उसको नजरअंदाज करते हैं, कभी इस बारे में संज्ञान नहीं लिया। पूर्व में भी जो है इस बारे में जो है कई बार जो है उन्होंने अतिक्रमण के नाम पे जो है कई बार ध्वस्तीकरण करा, पर उससे दुगनी तिगनी रफ्तार से जो है फिर दोबारा बन जाते हैं। इस बारे में शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, और बिना स्वीकृत मानचित्रों के जो ये अतिक्रमण चल रहा है इसको जो है रोका जाए और इसका ध्वस्तीकरण किया जाए। लगातार मसूरी देहरादून रोड पर अवैध निर्माण बढ़ते ही जा रहे हैं, और शहर की जो व्यू साइड है उसमें लगभग लगभग 80 से ऊपर जो है अवैध दुकानें बन चुकी हैं, जो बिना मानचित्र पास कराए यहाँ पर बनी है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर यहाँ पर कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद देखने को मिलता है कि पहले से अधिक दुकानें यहाँ पर बन जाती हैं। और आप देख सकते हैं ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मैगी पॉइंट है, किसी वक्त पर यहाँ पर केवल 4 से 5 दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज 2 से 2.5 दर्जन यहाँ पर दुकानें हो चुकी हैं। और इससे आगे की बात करूँ तो इससे आगे जो है लगातार लोग जो है पक्के निर्माण कर रहे हैं, कॉन्क्रीट से जो है लगातार दुकानें बनाने में लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं। हालांकि अधिकारी जो है लगातार इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है। आशीष भट्ट, ईटीवी भारत, मसूरी देहरादून रोड।